आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, अच्छी खासी कमाई है, सुखचैन की जिंदगी है, कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है, कोई कमी गुरु महाराजों ने रहने नहीं दी है, सब कुछ है, कल्पना कीजिए। लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत पे चढ़ गया, उसमें ही अगर डूब गया, मेरी माताएं बहनें मुझे बताएं ये मिल्कत आपके किस काम आएगी, ये बंगला किस काम आएगा, ये गाड़ी किस काम आएगी, अगर बेटा बर्बाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा, आपके संतान बर्बाद हो गए तो आपके लिए क्या बचेगा। क्या मेरी माताओं बहनों को, उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है? नशे से मुक्ति का अभियान, हर मां हर परिवार, हम हर परिवार को बचाना, उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल में बड़ा दर्द होता है, मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है, पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं एक कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं, मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं, मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं, मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा।